आज का इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आपके लिए वाटर वॉल पैनल ज्वाइंट को कैसे मारा जाता है और इसका हीटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो फिर देखिए आज का फुल ज्वाइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये ज्वाइंट है तो यहाँ पर ज्यादा गैप के लिए छुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ भी एक ज्वाइंट है, तो इसको सबसे पहले देखिए आपको हीट कर लेना। देखिए तो देखिए हम इसको हीट करा था, हीट करने का तरीका भी है, नहीं कभी एक जगह ऐसे हीट करेंगे। इसका हीट करने का जो तरीका है आपको इसको ऐसे ऐसे करते रहना, पूरा ट्यूब को यहाँ तक हीट करना है, ठीक है। तो इसका जो हीटिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये आपका 250 डिग्री हीट होगा, तब जाकर के इसमें आपका जॉब को चालू करना है। तो अभी इसका पैकिंग जो है कंप्लीट हो गया, दोनों साइड में टाका लिया गया है, ठीक है। और इसमें अभी टाका लेने के बाद रोड कंप्लीट होगा, उसके बाद हॉट बॉक्स मारेंगे, उसके बाद से फिर उसका पीला पर फाइनल मारेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जॉइंट मारने के लिए आपको यहाँ से देखो ये वाला थोड़ा सा ऊपर में आपको फिलर को देना है, ठीक है। एक पूजी पोजीशन में जॉइंट है, एक चीज ध्यान देना है, इसको ऊपर में फिलर रहेगा और इसको ऐसे ऐसे आपको मारते जाना है, ठीक है। ऊपर में देखिए ऐसे ऊपर का एज में आपको फिलर देना है, ठीक है। मारते मारते फिर यहाँ से आकर के एक ड्रॉप यहाँ पर देना है और इसको करके थोड़ा करंट बढ़ा लेना, पावर थोड़ा सा बढ़ा करके धीरे से करके यहाँ से भी में जीरो करना है। अगर यहाँ से आप जीरो करेंगे तो आपका पिन होल आ जाएगा, ठीक है। जब मेल्टिंग में यहाँ पर लास्ट आ जाएगा एंडिंग पॉइंट, तो थोड़ा सा आपको करंट जरा बढ़ा देना है, ठीक है। पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देना है करंट को और साइड में यहाँ से करके आपको जीरो करके उठा लेना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो जॉइंट है ये आपका साइड का वाटर वॉल पैनल का जॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जॉइंट जो मारने के लिए हमने जो नोजल का इस्तेमाल किया था, 24/11 का सिरामिक नोजल था और उसमें जो आपको गैस रखा गया था, आपका 8 में गैस को हम लोग रखे थे, ठीक है। और आप इसको आप चाहे तो 24/13 का नोजल से भी मार सकते हैं, लेकिन बेटर अगर यही होगा आप 24/11 से मारिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर तक ये चला जाता है। और इसको हम फाइनल मारने के लिए फ्रेंड्स, ये वाला जॉइंट मारने के लिए हमने फिल्टर नोजल का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो 24/13 का नोजल से भी इसको फाइनल फिलअप फाइनल कर सकते हैं। तो मैंने इसको रूट के लिए आपका 24/11 वाला नोजल को लिए थे और फाइनल के लिए आपका फिल्टर नोजल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। कभी भी फ्रेंड्स, अगर यह वाला जॉइंट आप मारते हैं तो एक चीज़ को आप ध्यान रखना है, आपको जब भी आप अगर मारने के लिए आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों हाथ का इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये जॉइंट को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि बाएं हाथ से इधर से आधा मारना पड़ेगा, दाहिने हाथ से आधा मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी बाएं हाथ से वेल्डिंग चल रहा है। तो बॉयलर में ये बात नहीं कि आप बॉयलर में सभी जॉइंट में आपको बाएं हाथ का और दाहिने हाथ का दोनों हाथ में मारना पड़ेगा, ये बात नहीं है। जस्ट आपको ये जो वाटर वॉल पैनल होता है, इस टाइप का जॉब मारने के लिए आपको बाएं हाथ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और दाहिने हाथ का भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर वॉल पैनल है फ्रेंड्स, ये आपका अभी बाएं हाथ से मैंने मार दिया है, अभी यहाँ से देख सकते हैं ये दाहिने हाथ से इधर से मारेंगे, ठीक है। और ये आपका 24/11 का नोजल है, आप देख सकते हैं टांस्टन ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, वही आपका 4 से 5 mm टांस्टन बाहर निकला हुआ है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो पुरुषित मार देगा, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर रूट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रूट हमने मारने के लिए 70 से 80 तक करंट को हमने रखा था, मुश्किल से अगर ज़्यादा थोड़ा सा अगर गैप ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट हम करंट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी रूट यहाँ पर कम्प्लीट हो गया, तो इसमें अभी आपका हॉट पॉच अभी मारेंगे। कभी भी एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको उसको जॉइंट को हॉट पॉच मारना है, उसके बाद फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जॉइंट को रिपेयर आने का चांस रहता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको हम कहना चाहेंगे, कभी भी अगर आप इस टाइप के जॉब को मारते हैं तो आपको फिलर को ना डायरेक्ट एकदम टांस्टन का सीधा नहीं देना है, थोड़ा सा फिलर को आप एक काम करिए, थोड़ा सा ऊपर में रख करके आपको फिलर को देना है, ऊपर वाला भी में, नहीं तो आपको जैसे जो दोनों के बीच में आप मारने जाएंगे तो आपको टांस्टन में टच हो जाएगा फिलर, आपका टांस्टन मोटा हो जाएगा, फिर जॉइंट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप हॉट पॉच मारेंगे, ठीक है, हॉट पॉच मारने के लिए या फिर फिलअप मारने के लिए, चाहे आप फाइनल मारने के लिए, फिलर को ना ऊपर से देना है, ठीक है। ऊपर साइड में देखिए यहाँ पर फिलर दिया जा रहा है, तो अगर आप सीधा दे देंगे उस जगह में जो दोनों का बीच सेंटर है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट आप अगर सीधा देंगे फिलर को तो वो आपका टांस्टन में टच हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए फिलर को ना ऊपर में रखेंगे, ऊपर में अगर आप फिलर को रखते हैं तो आपका टांस्टन में टच भी नहीं होगा और अच्छा वेल्डिंग भी होगा और आपको दिखाई भी सही से देगा, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी हॉट वॉच मार रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैंने गैस को बढ़ा लिए थे। गैस को अभी हमने 10 को रखा है क्योंकि थोड़ा सा फिल्टर नोजल का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। और करंट को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया है, करंट अभी 70 से 80 में करंट को चल रहा है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, 90 तक भी चला जाता है। और रूट मारने के लिए थोड़ा सा करंट कम लिया जाता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना, ठीक है। और अभी हॉट वॉच चल रहा है तो हॉट वॉच होने के बाद हॉट वॉच में थोड़ा सा अपन लोग करंट को बढ़ा लिया है। और इसी करंट में हम लोग कोशिश करते हैं, एक ही करंट रहेगा, मतलब अगर हम 80 में मार रहे हॉट वॉच तो उसी करंट में आपका फिलअप भी हो जाएगा और उसी करंट में आपको फाइनल भी हो जाएगा। थोड़ा सा करंट कम भी से हो सकता है फ्रेंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से मार पाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट 10 पॉइंट करंट इधर उधर होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, ये आपका वाटर वॉल पैनल का जॉइंट है, आप देख सकते हैं ट्यूब काफ़ी छोटा है, ठीक है, पतला ट्यूब है, 1 इंच यहाँ पर ट्यूब है, तो ये छोटा सा ट्यूब है। इसमें अगर ज़्यादा आपका रूट नहीं भी जाएगा, थोड़ा सा अगर आपका कम भी रहेगा ना पेंटेशन, अगर लेवल से बस थोड़ा सा अगर हाइट हो जाएगा तो आपका जॉइंट पास हो जाएगा। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिंग जैसे एकदम रूट से, ये नहीं होता। अगर ज़्यादा रूट हो जाएगा अंदर में, ज़्यादा पेंटेशन चला जाएगा, तो फिर यार वो आपका जो अंदर में होल रहता है वो बंद होने का चांस रहता है। और आपका बॉल पास किया जाता है, छोटा सा बॉल रहता है उसको पास किया जाता है, अगर वो पास नहीं होगा फिर भी जॉइंट आपको फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी फिलअप भी हो गया है, तो आपको फिलअप अभी नहीं हुआ, यहाँ पर हॉट वॉच है, ठीक है। तो फिलअप मारने के लिए पूरा आपको कोशिश करेगा लेवल टाइप का मारने के लिए, और जैसे फिलअप आप लेवल मार देंगे तो इस टाइप का आपको फाइनल भी मारना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी मल्टी लेयर में फाइनल को मारा है, 2 लेयर में, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह मारना है। वीडियो कैसा हुआ, क्या आपको और जानकारी चाहिए, थोड़ा सा कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल में को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो का दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।